आगे लिख लीजिए बेटा, इंडियन नेशनल आर्मी। एक्चुअली अगर हमारा सिलेबस खत्म होता है तो मैं वैसे भी इंडियन नेशनल आर्मी एक्चुअली कैसे बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनी थी, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बताऊंगी विद डिटेल। आपको पूरी स्टोरी बताई जाएगी कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। एक गदर पार्टी, एक इंडियन नेशनल आर्मी, एक भगत सिंह वाला जो एपिसोड है। आई विल मेक इट वेरी, हाँ जी, क्विट इंडिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 8 अगस्त। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चा, वेरी गुड मैम। ठीक है, मतलब पढ़ाई हो रही है, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, इसको हम जरूर करेंगे, बट फिलहाल हम मेन मेन पॉइंट्स जो है कर लेते हैं। लिख लीजिए, इट वॉज फाउंडेड बाय, हु वॉज द फाउंडर ऑफ INA। समटाइम बच्चे क्या देते हैं इसका, इंडियन नेशनल आर्मी का आंसर देते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाय प्रतीक। मेरी आवाज सही आ रही है बेटा? सब बच्चों को सही आ रही है? आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है, फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस। एंड आप लोग इसका सुभाष चंद्र बोस आंसर करते हो, कई बच्चों को मैंने देखा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नॉट द लीडर, ही वॉज द लीडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट इट वॉज फाउंडेड बाय राज बिहारी बोस विद कैप्टन मोहन सिंह। एक्चुअली ये सारे के सारे जो थे इंडियन नेशनल आर्मी, उनसे बने थे बेटा, जो आपके वार प्रिजनर थे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, मैं पक्का बताऊंगी आपको। ठीक है, बट अभी नहीं, अभी हम लोग मेन चीजें करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है हर्षित तिवारी, इट वॉज फाउंडेड इन सिंगापुर। ठीक है, समझ आई मेरी बात? चलिए, इसे लिख सकते हो, इट वॉज फाउंडेड इन सिंगापुर। ठीक है, लिख लीजिए, आगे लिखिए बेटा इसमें, इन जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, देखिए, सुभाष चंद्र बोस बोस जॉइंट INA। ठीक है बेटा, समझ गया बेटा बेटा। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स है INA के, वो दो जगह थे, सिंगापुर भी थे और आपका रंगून में भी थे। ठीक है बेटा, अच्छा ईयर 1942 बेटा, ईयर नहीं लिखवाया क्या मैंने? ठीक है जी, आप बोलो प्रतिभा। मैम आपकी आवाज मुझे आज आ रही है? मुझे अब आ रही है मुझे आपकी आवाज, जल्दी करिए बेटा। मैम आपने क्या बोला था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर, और क्या बोला था मैम? रंगून भी है, फाउंडेड है रंगून, सिंगापुर में होता, पर इनका एक और बर्मा में। रंगून कहाँ पर है? बर्मा, अभी मेन में आ रही हूँ। ठीक है, हाँ जी आतिश, बोलो आतिश। मैम इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्मड इन जापान। जापान, वही तो बेटा आपको प्रॉब्लम है ना, कि जापान की स्टोरी अलग है। जापान में क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको आंसर जो है सिंगापुर करना है। ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगी, आप भी सही कर रहे हो आतिश, स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है कि वॉर प्रिजनर कहाँ पे कैसे इकट्ठे हुए। ठीक है बेटा, समझ गए? ठीक है, अब चाहो तो इसको लिख लीजिए जापान, अदरवाइज आपने कहीं पढ़ा है, आप लोग मैम हमने यहाँ पढ़ा है वहां पढ़ा है, बट हाँ जी बिल्कुल, बहादुर शाह जफर को रंगून में रखा गया था। आप यहाँ पर, मैं आपको एक MCQ भेजूंगी आतिश, ठीक है, उसमें आप आंसर देखिएगा कि अगर किसमें, मैं MCQ भेजूंगी, फिर आप आंसर करिएगा कि जापान होगा या सिंगापुर। ठीक है, चलिए, आप वैसे सही हो अपने जगह बिल्कुल। स्टोरी इज गिवन इन मूवी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी बेटा, अगर आपने मूवी देख ली है तो यू आर लकी गाय। ठीक है, लकी पर्सनैलिटी हो आप। ठीक है, मैंने नहीं देखी है कुछ। ठीक है, आगे लिखिए, द कैबिनेट मिशन। ठीक है,
इट वॉज इन 1946. अगेन वही कॉन्सेप्ट चल रहा था बिटवीन गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं. ठीक है, तो उस चक्कर में एक और मिशन आया, दैट इज कैबिनेट मिशन. ठीक है, देखिए बेटा, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि वहां के जो लीडर्स थे, कैबिनेट लीडर्स थे, वो यहाँ पर इन्वॉल्व होते. यहाँ पे लिखिए बेटा, इसमें लिख लीजिए, आपका लिखवाती हूँ, लिखिए March 15, 1946. ठीक है, द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन. ठीक है, इसमें तीन पर्सन जो थे, कौन कौन थे इस ब्रिटिश कैबिनेट मिशन में, नाम लिख लीजिएगा. सर स्टेफर्ड, क्रिप्स, जो कि पहले भी क्रिप्स मिशन करके लेके आए थे अपना, जिसको हमने पोस्ट डेटेड चेक कहा. ठीक है, इसमें एक और थे एवी अलेक्जेंडर. ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, सेकंड पर्सनालिटी. ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे. ठीक है, वहां पे. ठीक है, उसके बाद थर्ड वन जो थे वो आपके कौन थे बेटा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. नाम सुना होगा आप लोगों ने इन तीनों का ही, पैथिक लॉरेंस. ठीक है, समझ आई मेरी बात. तो इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे वो मेन थे, हेड थे, इस पे चेयरमैन थे. ठीक है, वो अपना मिशन, मतलब कैबिनेट मिशन, अपनी कुछ मिशन, मतलब क्या क्या वो लड़ने आते थे, मतलब अपनी कुछ गाइडलाइंस, कुछ आइडियाज, इन सब चीजों को लेकर वो इंडिया आए. ठीक है, कैबिनेट मिशन इन्हें क्यों कहा गया बेटा, बिकॉज दीज आर द लीडर्स ऑफ दीज वर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट ऑफ द यूके. ठीक है, हाँ, इनमें से जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. ठीक है बेटा, इसको भी बेटा एक्चुअली दिस जो प्रपोजल था जो कैबिनेट मिशन का, एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट मिशन का जो वो था. हाँ जी आराध्य, बोलो बेटा, नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लीजिए, बोलो मैम. जो ये सारे मैम आपने मैम कैबिनेट मिनिस्टर्स लिखवाया मैम, इन लोगों ने मैम क्या किया था मैम इस मिशन में? बेटा कैबिनेट मिशन इज ओनली कम केम फॉर द मतलब कि वहां पर ब्रिज बनाने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम लीग के हेड उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना. यहाँ पर जो आईएनसी के जो हेड नहीं, आईएनसी में जो किसके मानते थे भाई, गांधी जी की. ठीक है, गांधी जी बोलते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए. यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना इसके फेवर में थे. मतलब यहाँ पर हमारे ही कंट्री के अंदर इंडिया तो एक तरीके से फ्री हो चुका था तब तक. ठीक है बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वाला प्रपोजल तो आ ही चुका था कि इंडिया अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद बनाए. मैम ये जो मिनिस्टर्स थे मैम, इनका क्या रोल था मैम इसमें? ये सिर्फ आइडियाज और रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे लेके, आपने गाइडलाइंस लेके आए थे. ठीक है, कि आप अब हाँ ये करिए. ठीक है, तो इन्होंने जो चीजें बोली, ठीक है बेटा, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था. जैसे क्रिप्स मिशन प्लान जो था खत्म, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं हुआ. पर बेटा बात समझिएगा, इससे पीछे भी और सारे मिशन आए थे, बट आपके सिलेबस में डायरेक्ट क्रिप्स के बाद यही दे रखा है. ठीक है, कैबिनेट मिशन जो था. ठीक है, लिख लीजिए, बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट. एक्सेप्टेड दिस मिशन. ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सिक्स. हाँ जी, और उनके साथ एक मातू गारू इंसिडेंट भी हुआ था. ठीक है बेटा, काफी खतरनाक चीजें हैं गदर मूवमेंट से रिलेटेड भी बेटा. ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.